बड़वानी से लॉकडाउन की संभावनाओं को सांसद ने किया खारिज, कहा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, एहतियात की है आवश्यकता। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे, प्रदेश और देश के बाद निमाड़ में भी पैर पसार चुका कोरोना, जिसको लेकर प्रशासन भी सतर्क है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की गई, लेकिन देश सहित प्रदेश दो बार का लॉकडाउन झेल चुका है। ऐसे में अब क्या तीसरी लहर में ये संभावना बनेगी, जिसको लेकर खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल से बात की तो उन्होंने ऐसी किसी संभावना से इनकार किया। कहा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर देश के प्रधानमंत्री गंभीर हैं। पटेल ने कहा इस समय देश सहित प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से व्यवस्थित हैं, ऐसी कोई संभावना नहीं बनेगी, लेकिन उन्होंने एहतियात बरतने पर जोर दिया, शासन की गाइडलाइन को फॉलो करने की अपील की, से लॉकडाउन जैसा फिर दंश ना देखना पड़े। भैया ओमिक्रॉन के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, क्या लॉकडाउन लगने की संभावना है? पहली बात तो कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, ये बार बार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी, देश की सरकार के द्वारा भी, प्रदेश की सरकार के द्वारा भी बताया गया। एक लहर आई, दूसरी लहर आई और तीसरी लहर भी कहीं ना कहीं हमारे सामने दिख रही है, परंतु वैक्सीनेशन के बाद में ये लहर आई है, पर इसका प्रभाव कहीं ना कहीं कम है, परंतु इसकी गति उस पिछले दूसरी लहर के तुलना में तीव्र गति से फैल रही है। निश्चित तौर पर कोरोना है, परंतु हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ हो गई है, मजबूत हो गई है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी निर्माण हो चुका है, हमारे आईसीयू बेड हैं, हमारे ऑक्सीजन के प्लांट हैं, प्रधानमंत्री केयर फंड के द्वारा दिया गया कई प्रकार की सुविधाएँ हैं जो आज इस देश की 2000 हॉस्पिटलों में उपलब्ध है। परंतु निश्चित तौर पर अब लोग भी जागृत हो गए हैं, मास्क भी लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन भी कर रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से जनता से भी आग्रह करता हूं कि ये ओमिक्रॉन कोरोना हमारे बीच में जरूर है, ये कहीं के तीव्र गति से फैल भी रहा है, परंतु फिर भी सावधानी हमको रखना पड़ेगी। निश्चित तौर पर इस प्रकार की सावधानी का संदेश देश के प्रधानमंत्री जी भी दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी दे रहे हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी, हमारी पार्टी के संगठन के लोग सब लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इससे बचाव के लिए हमको सब चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। हम लॉकडाउन की जहाँ तक बात है तो लॉकडाउन की लगने की संभावना कम है, क्योंकि इसकी सतर्कताएं हमको रखना पड़ेगी, कम संख्या में हमको मिलना पड़ेगा, जहाँ पर फिजिकल मिलना होता है वो फिजिकल मिलने की संख्या कम हो गई है। सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी गई कि कहीं पर छोटे कार्यक्रम में वहाँ पर 50 संख्या होना चाहिए, बड़े कुछ आयोजन तो 250 से ज़्यादा संख्या नहीं होना चाहिए। ये सब सावधानी रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम इस प्रकार की ओमिक्रॉन कोरोना जैसी बीमारी से बच पाएंगे। ये एक निश्चित तौर पर इससे लड़ने के लिए सबको सावधानी रखना पड़ेगा, और इसी सावधानी के कारण हम आने वाली तीसरी लहर को भी संघर्ष से जीत सकते हैं। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।